ओट्स एंड आमंड सोप एट होम जिसमें कोई भी हार्श केमिकल्स नहीं है और आर्टिफिशियल रिजर्वेटिव भी नहीं है तो सोप बनाने के लिए हमें चाहिए ओट्स आमंड्स नेचुरल सोप बेस ये आपको शॉप से मिल जाएगा या फिर अमेजॉन में भी ये इजीली अवेलेबल है सिलीकॉन मोल्ड ये भी अमेजॉन में ईजीली अवेलेबल है और रोजमेरी असेंशियल ऑयल सबसे पहले हमें ओट्स और आलमंड्स को मिक्सर में ग्राइंड करना है और उसका पाउडर बना लेना है ऐसे आप उसका पाउडर बना के ले सकते हैं अभी सोप को हमें कट करना है जितना सोप हमें बनाना है उतना ही हमें कट करना है उसके छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं ताकि हमें मेल्ट करने में इजी हो सोप को हमें बाउल में लेना है मैंने यहाँ पे तड़का पैन लिया है दूसरे बड़े पैन में पानी लेके सोप के बाउल को उसके अंदर रखना है और पानी को बॉईल कर लेना है अभी धीरे धीरे सोप मेल्ट हो रहा है यह भी पूरी तरह से सोप मेल्ट हो चुका है मेल्टेड सोप में हमें ओट्स और का मिक्सचर ऐड करना है इस को हमें अच्छे से मिक्स करना है और मिक्स करते वक्त यह प्रिकॉशन लेना है कि इसमें ज्यादा बबल्स ना आए। में हमें रोजमेरी एसेंशियल ऑयल ऐड कर देना है रोजमेरी एसेंशियल ऑयल नेचुरल प्रिजर्वेटिव है इसमें हमने कोई भी आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल नहीं किया है अब इस सोप के मिक्सर को हमें मोल्ड में ट्रांसफर कर देना है जो भी शेप आपको अच्छा लगे उस शेप में का यूज आप कर सकते हैं सोप के मिक्सर को हमें मोल्ड में हाफ एन आवर के लिए सेट करना है हाफ एन आवर के बाद हमें सोप को मोल्ड से निकालना है आप देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा और ओट्स का सोप बनके रेडी है इस सोप में ओट्स है जो हमारी स्किन टोन को लाइट करने में मदद करते हैं इस सोप में है जो हमारी स्किन को नरिश करते हैं मेक दिस ओट्स एंड आमंड सोप एट होम एंड गेट द नेचुरल फेयरनेस एवरीवेयर तो गाइज मिलते हैं मेरे नए वीडियो में और जानते हैं नेचर्स के और एक नए गिफ्ट के बारे में Bye.